जय श्री कृष्ण। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 6 विषय है दिनांक 6/1/2021 प्रश्नावली 5.3 क्लास वन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर दिनांक 5/1/2021 को हमने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहला घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन में के कितनी भिन्न घूम जाती है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह पहला 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। उत्तर दूसरा आता है बी, 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। सी, 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करें। डी, 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3.4 गुण करें। देखिए, जब हमने किसी भी चित्र को जब हम बनाते हैं, जैसे सर्वप्रथम हम जैसे ये मान लीजिए हमारी एक घड़ी है जिसके अंतर्गत 12, 3, 6 और 9 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। देखिए, जिस प्रकार जैसे प्रस्ताव 5.2 में एक घड़ी की सुई कहां रुक जाएगी,
यदि वह पारा से आरंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें, जैसे ये 12 बजे से जब मान लीजिए शुरू होती है तो घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करेंगे तो 12 बजे से जब ये घड़ी शुरू होगी यहां से तो 6 पर आकर के ये हो जाएगी, इसका उत्तर होगा 6 बजे, क्योंकि इसने 12 से जब घड़ी का सुइया जब शुरू होता है तो 6 पर आकर के रुकता है, तो ये उसने आधा चक्र पूरा कर लिया, मतलब उसने पूरा चक्र पूरा नहीं किया, उसने आधा चक्र पूरा किया, तो ये 6 बजे पर 1/2 घूर्णन करेंगे। फिर आता भी 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें, जैसे मान लीजिए ये 2 से शुरू होता है, जब मान लीजिए ये 2 से जब शुरू होता है, जब ये 2 से शुरू होता है, ये 12 से आरंभ होता है, 2 से आरंभ होता है, जैसे मान लीजिए 2 से आरंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें, तो 2 से शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4, ये 2 से शुरू होते हैं, तो 2 से आरंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें, तो ये इसका होगा 2 से शुरू किया तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इसका मतलब 8 होगा, 2 से आरंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें, तो जब ये यहां से शुरू होता है तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, मतलब ये भी एक आधा चक्र पूरा करता है, तो 8 पर आएगा तो 1/2 घूर्णन करता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सी, 5 से आरंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करें, ये आधा चक्र करता है और ये 1/4 जिसमें पूरा चक्र न करके पाव चक्र ये करता है, ये 5 बजे से यहां से शुरू होता है और घड़ी की दिशा में घूर्णन करता है, तो जब ये 5 से शुरू होता है 1, 2 और ये 3, जब ये इसका होगा 8 होगा, इसका ये भी 8 बजे, मतलब ये जब 5 से शुरू होता है 1, 2, 3 तीन घंटे की दिशा में जब ये आरंभ होती है तो घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करता है, 5 से आरंभ और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करें, जब 5 से आरंभ होती है, जैसे मान लीजिए 5 से जब आरंभ होती है, जैसे 5 से आरंभ होती है घड़ी, तो 5 से जब ये शुरू होगी तो 9 घंटे हो गए, 9 घंटे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये इसका उत्तर होगा 2 बजे पर ये घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करता है। यदि घड़ी का एक पूरा चक्र होता तो वो एक घूर्णन कहलाता है, आधा चक्र यदि जैसे 12 से 6 बजे तक जहां पहुंचता है घड़ी का सुइया वो कहलाता है आधा, 6 से जब 9 पहुंचता है तो 3/4 हो गया, और उसके बाद में जब मान लीजिए 9 से 12 पहुंचता है तो 1/4, जैसे 9 पर घड़ी का सुइया है और वो 12 बजती है तो वो 1/4 घूर्णन करता है। जैसे क्वेश्चन नंबर आता है अगला, जैसे फिर आता है क्वेश्चन नंबर, यदि आप किस दिशा में देख रहे होंगे और यदि आरंभ में जैसे हम देखते हैं कि जितने भी जो घड़ी का जो सुइया है, जैसे हम ये घड़ी है हमारी, जैसे 12 बजे से जब हम शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6,
नौ दस ग्यारह बारह, घड़ी के अंदर 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे के बाद जैसे मान लीजिए 12 से 3 बजती है तो चौथा ही भाग हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए 12 से 6 तक मतलब पूरा एक चक्र, आधा चक्र हो गया, और 6 से 12 तक तो पूरा एक चक्र हो गया। अब मान लीजिए 12 से घड़ी सुई होकर के जैसे मान लो 9 बजता है तो ये 3/4 हो गया, पूर्ण हो गया, और 9 से 12 1/4 हो गया। इस प्रकार से हम इनके समय को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।